रोड पे सो रहा हूँ ऐसे साइकिल पे, पुल के नीचे भगा रहा सबको लाठ बाजार बाजार को, बाल बच्चे को मांग चल के खिलाते हैं। इसलिए काम बीते कुछ दिनों में आपने दिल्ली की कई तस्वीरें देखी होंगी। दिल्ली में G20 समिट चल रहा है और इसके चलते कई जगहों पर पर्दे लगाए गए हैं, कई झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया है ताकि देश की गरीबी न दिखे। इसके चलते दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कुत्तों को भी उठाया गया है, उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे ही जो मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 10 परिवार थे जो यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है। वो भिखारी थे जो पिछले कई सालों से यहाँ इस फ्लाईओवर के नीचे थे, लेकिन G20 समिट के चलते उनको यहाँ से हटा दिया गया है, कहीं और जगह उनको शिफ्ट किया गया है। मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है और वो अभी किस स्थिति में है। पुल के नीचे भगा रहा सबको लाठ बाजार बाजार को, मैं लोग गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा भटकने, नहीं बच्चे छोटा छोटा 6-7 बच्चा कहाँ रहूँगा मैं लोग, खाना पीना कोई देता नहीं देता, कमाऊँगा तो खाऊँगा नहीं कमाऊँगा तो भूखले रहूँगा, कोई देता नहीं देता। तो अभी कहाँ रह रही आप? अभी तो मैं लोग रहता हूँ रैन बसारा में, 2 दिन से सो रखना जाता हूँ। पहले पुल के नीचे रहते था। तो क्या बोला पुलिस वालों ने, क्या हटाया? भगाया सर को मेरा, बोला भागो लाठ बाजार को, भगा दिया यहाँ से, भाग जा मेरे जगह से, कोई आने वाला है तो मैं लोग, आप क्या पता मेरे को। फ्लाईओवर के नीचे रहता हूँ अभी, 2-4 दिन के लिए भगा रखे बस। तो अभी कहाँ रहते हैं फिर? रोड पे सो रहा हूँ। रोड पे ही? ऐसे साइकिल पे। इसी साइकिल पे सोते हैं आप? हाँ। रोड किनारे? और पहले? पहले फ्लाईओवर के नीचे रहता था यहीं पे। हाँ तो अभी क्यों नहीं रह रहे हो? अभी पुलिस वाले भगा रहे, कुछ कोई बात होगा इसलिए। क्या बात हो गई? अब मुझे क्या पता क्या नहीं, अब वही सब जाने। पुलिस वालों ने क्या बोला आपको? 2-4 दिन के लिए बोला इधर हो जाने के लिए बस। 2-4 दिन बाद में बोला रह के आ रह ले। 2-4 दिन बाद फिर वही रहना शुरू? हाँ। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? यहाँ कोई भी नहीं, अकेला रहता हूँ। तो ये तो रोड चलता है, यहाँ पे फिर कहाँ सोते हैं आप? यहीं पे सो जाते हो साइड में लगा के। दिल्ली सरकार के 3 रैन बसेरा हैं यहाँ पर, जहाँ कुछ भिखारियों को शिफ्ट किया गया है। मेरे साथ यहाँ के केयर टेकर हैं। सर क्या नाम है आपका? चेतन सर। चेतन जी मुझे ये बताइए, यहाँ कितने भिखारियों को शिफ्ट किया गया है? सर मेरे कोड नंबर 220 मुनीर का शेल्टर में ऑलमोस्ट 5 से 6 भिखारियों को शिफ्ट किया गया है, और बाकी यहाँ पर मुनीर का के अंदर अन्य 2 शेल्टर और हैं, एक महिला और एक फैमिली शेल्टर। सर अभी G20 का टाइम चल रहा है, हम एक्चुअली समय समय पर रेस्क्यू करते रहते हैं बेघरों को, समय समय पर करते रहते हैं, और उनको अभी स्पेशली कुछ हमारी तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, प्लस कुछ पुलिस वालों के जरिए या अन्य लोगों के जरिए G20 को देखते हुए शिफ्ट किया जा रहा है। हमसे पुलिस वालों ने भी गुजारिश करी है स्पेशल कि भाई इनको शिफ्ट किया जाए, परंतु हम तो ऑलरेडी करते ही हैं, तो हम स्पेशली मतलब खास तौर पर इस दौरान G20 के दौरान हम रेस्क्यू कर रहे हैं उनको। हाँ मैडम आप बताइए थोड़ा सा कि आप पे भी एक महिला जो रैन बसेरा, शायद उसकी जिम्मेदारी है। हाँ। क्या नाम है आपका? संजू। कब लाया गया इनको? रात को 10 बजे आना शुरू हुआ उन लोग को। कब? रात में 10 बजे। किस दिन? कल। कल वहाँ से तो भगाती है, पूरा फूल उल लगा दिया। हाँ। कहाँ रहूँगा? किसने भगाया? पुलिस वाला भगाया। क्या बोले? छोए तो से निकलो, पूरा फूल बगीचा लगा हुआ है, ये तो नहीं रहने दूंगा ऐसे तो। हाँ फिर अभी यहाँ पे हो? हाँ। कितने कितने लोग थे जो आप वहाँ रहती थी ऐसे आपके साथ? बहुत लोग रहते थे। कितने? वासुपट्टी का रहते थे, बाजीपुर का, कानड़पट्टी का, कोई रांटी का, बहुत आदमी रहते थे, बेला का, हर गांव का रहते थे 25 साल। हाँ रहते थे। आप कहाँ से हैं वैसे? हम आए थे मधुबनी से। मधुबनी बिहार? हाँ।
यहाँ कितने समय से है दिल्ली में? मैं 2 साल से यहाँ पर रहती थी। क्या करती हैं, आपका क्या काम है? हमारा वो होता था लेबर में काम करता था, नहीं होता था चलने का घूमने के लिए, घूमने के लिए देहात घूमने के लिए बाल बच्चे को मांग चांग के खिलाते हैं, ये काम है मेरा। कल आया इसमें रेड बसेरा। रेड बसेरे में कल आई है? कल आई। हां, तो वहां से क्यों आई है? पुलिस वाला भगा रहा था ना। क्या बोला पुलिस वाला? बोला जा जुगी झोपड़ी लेके रह, पैसे कौड़ी काम धंधा नहीं लगता है, कैसे लू कहां रहूं जुगी झोपड़ी लेके। हां, इसलिए कल भगा दिया इसी में आके। पुलिस वाला फ्लाईओवर से आपको ही निकाला है और लोगों को? हाँ, बहुत आदमी था सारे ना। हाँ। सारा गांव चले गया। हाँ। हम लोग 1 महीने आया यहाँ रहते था, कल भगा दिया पुलिस वाला, बोला जाओ रेन बसेरे में रहो। हाँ। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे मेरा आदमी है, बच्चे है, 6 8 परिवार है। तो यहाँ कब से हैं वैसे दिल्ली में आप, और कहाँ की रहने वाली है? बिहार के है, मधुबनी जिला। 5-6 साल से यहाँ रहता हूँ। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ मजदूरी करते हैं। हाँ। ये कौन सा फ्लाईओवर है जहाँ पर रहती है? आर के पूरा फ्लाईओवर ही ने, बेड़सराय के फ्लाईओवर है। ऐसे कितने परिवार थे जो वहाँ रहते थे? बहुत सारे था, बहुत आदमी, सब गांव चले गया है ना, अभी पूरा भरा रहता है अभी, सब सारे गांव चले गए, आएगा 20-25-20 तारीख तक ले सारे। हाँ, 20 तारीख तक ले पूरे आ जाएगा, खाली भर जाएगा पूरा फ्लाईओवर। यहाँ के कुछ और केयर टेकर हैं जो यहाँ पर कुछ जो होमलेस लोग थे जो फ्लाईओवर के नीचे रहते थे उनको लेकर आए हैं, इनका ऐसा कहना है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार है सर जी। मैं रेस्क्यू करके वहाँ से 5-6 परिवारों को ले आया हूँ, जिनमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। कहाँ से लाए? फ्लाईओवर के नीचे से, IIT फ्लाईओवर के नीचे से, और बेरसराय फ्लाईओवर के नीचे से, और 1-2 लोगों को मुनिरका फ्लाईओवर के नीचे से भी लाए सर। किसने कहा आपसे उनको यहाँ लाने के लिए? क्या सर, हमारे डीसूप के अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला कि इनको रेस्क्यू करके आप रैन बसेरे में ले जाइए, और इनको रहने का मतलब अच्छा बंदोबस्त इनके लिए की। वजह सर G20 का था, क्योंकि साफ सफाई हो रही थी रोड से, बोले कि रोड पे रहना ठीक नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है, इसलिए इन लोगों को मूव किया जाए यहाँ से। तो नियर बाई जो भी रैन बसेरा है उसके लिए हमको लोगों को बोला जाता है, हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उन लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं, यहाँ के बजाय आप वहाँ चल के रहिए, आपको अच्छा रहेगा। यहाँ कब आए हैं लोग और किसके कहने पर यहाँ आए हैं अभी? किसके कहने पर नहीं, हुए 20 के चक्कर में हम लोग लाए हैं, रिक्वेस्ट के हाथ पैर जोड़े कि चलो वहाँ रहो, वहाँ से कहाँ जाएंगे, कुछ लोग तो गांव चले गए और कुछ यहाँ आ गए। तो आपसे किसने कहा कि उनको लेकर आइएगा? हम लोग खुद गए थे और पुलिस वाले भी बोले थे मैडम आप लोग हेल्प कीजिए हम लोगों को भी और रखिए, हम लोग तो कुछ 2 दिन पहले भी गए थे कि चलो ये सब बंद होने वाला है कहाँ रहोगे, उसके लिए हम लेके आए, मतलब 6-7 परिवार आए, कुछ लोग चले गए गांव। तो क्यों आए हैं यहाँ, किस लिए? किस लिए? वही मांग चांग के खाने वाला आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, क्यों किस लिए आए हैं? काम लगता है, काम है कूड़ा था, कूड़े चुन के गुजर बाल बच्चा काटते हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? फ्लाईओवर पहले तो वहाँ शहीद भवन में थे, 15-20 साल पहले फ्लाईओवर वाना था फ्लाईओवर में थे, रन बसेरा वाना था रन बसेरा में थे, तो वहाँ से चले गया फिर फ्लाईओवर में। झूठ बोल के क्या होगा, सच्चाई बात कहना है। फ्लाईओवर से यहाँ क्यों आए? रहने पुलिस वाला लठ मारने लगा सबको, भारतीय मन सब फेंक दिया, उसको हम क्या करें, तो चले आए रन बसेरा में। क्या बोला? क्या बोला कौन? पुलिस वाला? पुलिस वाला क्या बोला? अपना चले जाओ रन बसेरा में, तो हम चले आए। ये बेरसराय का फ्लाईओवर है जो होच खास के पास IIT का जो एरिया है वहाँ पर है ये। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 10-12 फैमिली थी जो यहाँ पर जो होमलेस थी, जो जिनका कोई घर नहीं है, यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे ही रहते थे और यहीं पर कोई दिहाड़ी मजदूरी करके कोई मांग कर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन G20 समिट जो है, जो डेलीगेशन आया है, विदेशी डेलीगेशन आया है दिल्ली में, उसके चलते उनको यहाँ से हटा दिया गया और जहाँ पर वो रहते थे उस जगह अब हाल ही में पौधे लगा दिए गए हैं, फुलवाड़ियाँ लगा दी गई हैं, दिल्ली को पूरी तरह सजाया गया है, जिसके चलते उनको यहाँ से हटा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कुत्तों को भी हटा दिया गया है, कुछ इलाके थे जहाँ पर झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थीं उनको ढक दिया गया है, ताकि देश की गरीबी न दिखे, जो बाहर से डेलीगेशन आए उसको ऐसा ना लगे कि भारत बदसूरत है।
मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।